हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के चक्की मोड़ पर। चक्की मोड़ सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये लोकेशन यदि आप दिल्ली शिमला हाईवे पर आए तो दिल्ली शिमला हाईवे या फिर चंडीगढ़ से शिमला जाने के लिए जो हाईवे है, एक ही हाईवे है, उस हाईवे से 2 किलोमीटर नीचे ये चक्की मोड़ आता है और चक्की मोड़ से अभी हम ठीक 2 किलोमीटर और नीचे हैं। यदि आप कहें तो हाईवे से लगभग अभी हम 12 किलोमीटर की दूरी पर हैं और वहां पर ये लोकेशन है। बहुत शानदार ये लोकेशन है। एक तब यहां पर देखेंगे नीचे नदी बह रही है, उस नदी में भी आपको ले चलेंगे और अभी हम यहां पर आपको सुबह का दिखाते हैं, यहां का मौसम किस तरह से आता है, यहां का वेदर क्या है। और यहां पर देखिए किस तरह से आप नीचे की तरफ देखेंगे, ये नदी बह रही है, देखिए ये पूरा वाटरफॉल है। अभी एक तरफ इसमें वाटरफॉल होता है, ऊपर की तरफ आपको दिखा दे, ये व्यू देख रहे, बहुत ही बेहतरीन व्यू है। यदि आप एक शांत जगह आना चाहते हैं, शांत जगह अपनी वेकेशंस को इंजॉय करना चाहते हैं, वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, तो ये चक्की मोड़, यानी कि फिर से हम ये लोकेशन आपको बता दें क्योंकि इस जगह पे बहुत कम लोग एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर जो चक्की मोड़ है वो शिमला और दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से ठीक 12 किलोमीटर नीचे दो किलोमीटर पर ये पड़ता है और वहाँ से 12 किलोमीटर नीचे यानी कि चक्की मोड़ से आप आएंगे। चक्की मोड़ पर यहाँ पर रेस्ट पॉइंट भी है, जहाँ पर हम लोग यदि हम बाई रोड आ रहे हैं तो वहाँ पर हम स्टे भी करते हैं। तो वहाँ से ठीक ये 12 किलोमीटर नीचे आपको यहाँ पर रिजॉर्ट और होटल्स आपको मिलेंगे। तो सुबह का वक्त है और अभी जो टेम्परेचर है यहाँ का वो लगभग अभी ये मान के चलिए 17 डिग्री के करीब है। धूप आ चुकी है, मौसम खुला हुआ है और इस वक्त हम यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं और ट्रैक करते हुए आपको यहाँ बता रहे हैं क्योंकि हमारे लिए भी एक नई जगह है और हमने सोचा कि इस जगह को आपको हम बताएं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखने लायक है। यहाँ पर ऊपर एक मंदिर दिख रहा है, इसी मंदिर पर भी हम जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर वार्निंग भी लिखी होती है कि जो ये पुल है, इस पुल पर 9 टन से अधिक भारी वाहनों का आवागमन वर्जित है, ये हिमाचल प्रदेश। तो अभी हम इस पुल से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से हम आपको यहाँ का व्यू भी दिखाएंगे। देखिए देखिए शानदार व्यू और ये हम नीचे भी लेके चलेंगे आपको, देखिए व्यू ये। और ये पूरा जो पानी होता है ये वाटरफॉल, एक तरफ इसमें वाटरफॉल है, झरना, वहाँ का पानी आता है और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको व्यू दिखा दूँ, देखिए बहुत ही शांत वातावरण, यानी कि बहुत ही ये कूल इन्वायरमेंट है यहाँ का। मेडिटेशन आप करना चाहते हैं, बिल्कुल दिल्ली की शोर शराबे या अपने शहर के शोर शराबे से दूर कहीं पे कुछ दिन आप एकांत में बिताना चाहते हैं तो वहाँ के लिए ये लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट डेस्टिनेशन है आपके लिए। और यहाँ पे जो होटल हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी सस्ते हैं। तो कौन कौन से होटल हैं वो भी हम आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं मंदिर, यहाँ पे आपको दिखा देंगे, देखिए स्कूल के कुछ बच्चे, ठीक है ना, देखिए स्कूल के बच्चे। बेटा ये कौन सी नदी है नीचे? कौशल्या नदी। हाँ तो ये जो नदी है नीचे, हम आपको बता दें इस नदी का नाम हमें नहीं पता था तो बच्चों ने हमें बताया ये कौशल्या नदी है। तो ये बच्चे हैं, बच्चे कौन से स्कूल में हो? ओके बेटा, तो ये ऊपर मंदिर है, ये शिव मंदिर। ओके, तो आगे ये बच्चे लोग स्कूल जाने की तैयारी में हैं और ये प्राचीन शिव मंदिर, अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं ये प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ पर हम आपको लेके चलेंगे। तो ये देखिए प्राचीन शिव मंदिर और नीचे जो नदी है ये कौशल्या नदी है, देखिए प्राचीन शिव मंदिर। ओके, और ये है पीछे पूरा व्यू उधर। तो ये शिव मंदिर, अभी हम शिव मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये धीरे धीरे यहाँ से हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे नीचे से जैसे जैसे मैं आ रहा हूँ यहाँ से हाइट बढ़नी शुरू हो गई है और ये नदी पूरे आगे तक चलती है, कौशल्या नदी। और तो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पहुँचेंगे कैसे, ये भी हम आपको बता देते हैं। कालका रेलवे स्टेशन पर आप उतरिए, यदि बाई रोड आ रहे हैं तो आपके लिए एक्सप्रेस वे है न्यू दिल्ली शिमला या फिर न्यू दिल्ली जो कसौली वाला एक्सप्रेसवे हाईवे है, एक ही हाईवे है, उस हाईवे पे चक्की मोड़ एक पॉइंट आएगा, वहाँ पर आपको रुकना है
वहाँ से आप नीचे की तरफ आएंगे जहाँ पे भोजनगर लिखा होगा, क्योंकि ये इसके आगे भोजनगर भी एरिया पड़ता है। तो अब हम मंदिर के करीब पहुँच चुके हैं, तो हम आपको बताए थे वहाँ से आपको अंदर कट करना है। नीचे की तरफ एक रोड जाती है और उस रोड पर आपको चक्की मोड़ से नीचे की रोड पर आप आएंगे, तो आगे 10 किलोमीटर जब आप चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस लोकेशन पर। और ये है यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर। तो इस शिव मंदिर में और क्या क्या है इसके अंदर भी हम अभी आपको लेके चलेंगे। देखिए, श्री हनुमान मंदिर कौशल्या घाट धाम नज़दीक चक्की मोड़। ये देखिए, तो पहले हम आगे की तरफ लेके चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस मंदिर के में मैं आपको लेके चलेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ही रोड, तो आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम में। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि समर में जो सनसेट होता है यानी कि सूर्यास्त होता है वो लगभग 7:30-8 बजे तक होता है, तो और मॉर्निंग में लगभग 5 बजे यहाँ पर सनराइज हो जाता है। तो अब व्यू देखिए, शानदार ये व्यू, तो बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन है ये आपके लिए 3 या 4 दिन की आपकी वैकेशंस को एंजॉय करने के लिए। लगभग हम अभी 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं और इस तरह से ये पूरा डेस्टिनेशन है। ये देखिए, ये देखिए प्राचीन शिव मंदिर। तो आगे भी इस तरह से जाएंगे तो आप भोजनगर तक पहुंच जाएंगे, आगे गांव है। अब हम आपको मंदिर लेके चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मंदिर के अंदर ले चलेंगे कि इस मंदिर की मान्यता क्या है इस मंदिर के बारे में। तो ये प्राचीन शिव मंदिर चक्की मोड़, अब इसके बारे में बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, यदि वीडियो में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इंटरटेनिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस मंदिर के अंदर भी ले चलेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा श्री हनुमान मंदिर कौशल्या घाट धाम नज़दीक चक्की मोड़, इसके अंदर भी आपको ले चलेंगे।